आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 1919 का एक्ट पढ़ा था और 1909 का एक्ट पढ़ा था। इसके बाद हमें पढ़ने को मिलता है साइमन कमीशन। कमीशन ये आती कब है? 1927 में आती है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कब किया था? 1930 में सबमिट किया था। साइमन कमीशन की अध्यक्षता में ये कमेटी बनती है, इसमें 7 सदस्य होते हैं। इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया अपनी रिपोर्ट में, क्या कहा कि इनको क्या कर देना चाहिए, डायरकी शुड बी अबॉलिश्ड, मतलब सरकार को क्या कर देना चाहिए, जो डायरकी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब डायरकी का मतलब क्या होता है? डायरकी का मतलब होता है दो, डाई का मतलब दो, आर्थ का मतलब होता है दो, गवर्नमेंट सिस्टम, जैसे कि सेंट्रल पे गवर्नमेंट सिस्टम है और स्टेट प्रोविंसेस में थी उस समय पर। तो इन्होंने यही बात कही कि डायरकी को क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा क्या इन्होंने रिकमेंड किया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। अब आपको पता है गोलमेज सम्मेलन हमारे इतिहास में हम पढ़ते हैं, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके रिकमेंडेशन पर आया था? तो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर आया था। कुल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी? कुल 3 हुई थी। अब चलिए इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे मैंने अलग अलग पार्ट भी लिख दिया है, अब इसको समझते हुए चलिएगा। ठीक, देखो सबसे पहले क्या आता है, जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सबसे पहले ध्यान रखिएगा तीनों ही कहाँ पर होती है? लंदन में होती है। देखो तीनों कहाँ पर हुई? लंदन में। पहली वाली हुई कब? 30 नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक ही हुई। किंग कौन थे उस समय पर? जॉर्ज वाइट। किसकी अध्यक्षता में की गई? रामसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? नरेंद्रनाथ लॉ ने रिप्रेजेंट किया था। और डिप्रेस्ड क्लास को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था? तो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इसको उसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। अब सेकेंड में, और इसका जो खास कंक्लूजन है कुछ निकला नहीं, ठीक है, सेकेंड पे आते हैं। तो कहाँ हुई? लंदन में हुई। गांधी जी ने इसको लीड किया था, किसको? गांधी जी ने इंडियन INC से इसको जो है लीड किया। हुई कब? 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक की हुई थी। वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? सरोजनी नायडू जी के द्वारा किया गया है। देखो मैं आपको एक चीज़ सीधी बात बताऊँ, जो क्या बोलते हैं राउंड टेबल है उस पर दो सवाल आपसे पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप अगर प्रेजेंट में देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसलिए हमें ऊपर से नहीं, सारी चीज़ें बेसिक से भी पढ़नी जरूरी है। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कभी सवाल आ जाए कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन सेकेंड वाले में किसने किया था, तो सरोजनी नायडू जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और अगर हम कहा जाए डिप्रेस्ड क्लास को यहाँ पर किसने रिप्रेजेंट किया है, तो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इसमें यहाँ भी किया गया था, और इसमें भी भीमराव अम्बेडकर जी ने रिप्रेजेंटेशन किया था, ठीक है। दूसरे वाले में वुमेन्स का रिप्रेजेंट हो गया, INC का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? गांधी जी ने किया था। कोई खास कंक्लूजन इसमें भी नहीं निकलता है। थर्ड वाले में आते हैं, लंदन में हो 1932 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक। व्हाइट यहाँ पर एक चीज इस पर फोकस करेगा, इसमें क्या किया गया? एक व्हाइट पेपर ड्राफ्ट बिल पब्लिक किया गया, ठीक है, जिसमें ये किया कहा गया कि हम एक क्या करेंगे, एक और एक्ट लेकर आएंगे, जिसको बाद में यही कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या बोला गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी व्हाइट पेपर में एक ड्राफ्ट बिल आया, पब्लिश किया गया, जिसके बाद 1935 का एक्ट आता है हमारे इंडिया में। तो अब हमें इसके मतलब क्या पढ़ना है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ना है। चलिए दोस्तों अब हमें क्या पढ़ना है? कम्युनल अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये आया कब? 1932 में आया। PM कौन थे लंदन में उस समय? मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड PM थे। अब यहाँ पे देखो आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है कम्युनल अवार्ड्स कब आया था, ठीक है। अब मैंने आपको दो एक पुराने वीडियो में कहीं कहा था कि आपको मैं कम्युनल शब्द का मतलब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद। तो चलो अब हम समझते हैं कम्युनल का क्या मतलब होता है। तो जो कम्युनल शब्द है इसका ये मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटीज का क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन होगा। यही बात हम कहते हैं एक शब्द में कम्युनल अवार्ड्स, ठीक है, कम्युनल राइट्स से बोल सकते हो आप, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।